स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम से कोई अपलोड नहीं किया है, मैं अपने पर्सनल कामों के साथ थोड़ा बिजी हो गया था, पर मैंने इस ब्रेक में आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर किया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो सारा कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप और मैं मिलके कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली है, नन अदर देन विजय देवरकोंडा सर। अब मैं विजय सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और पर्सनली जब मैंने बाल बढ़ाने शुरू करे थे तभी मैं सीक्रेटली विश करता था कि काश मैं उनके जैसा लुक क्रिएट कर सकूं, और मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करते हुए। अब क्योंकि हमारे कम्युनिटी के एक मेंबर ने कमेंट किया था कि आई हैव सम रिजेंबलेंस ऑफ विजय देवरकोंडा सर, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज की वीडियो में मैं उनकी हेयर स्टाइल का ब्रेकडाउन करूंगा ताकि हम जैसे लड़के जो उनकी हेयर स्टाइल अचीव करना चाहते हैं उन्हें मैं अपने एक्सपीरियंस से वो छोटी छोटी चीज़ें बता सकूं जो मैंने इस जर्नी पे सीखी हैं। एंड आई विश मुझे ये चीज़ें बताने वाला कोई और होता। आज हम विजय सर की हेयर स्टाइल को 4 पॉइंट में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपने पहले ब्रेकडाउन पॉइंट पे जो कि है हेयर लेंथ। अब विजय सर की हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके बालों की लंबाई। ऐसा लोग अचीव करने के लिए आपकी बालों की लंबाई मिनिमम 5 से 7 इंच होनी चाहिए, और वैसे तो हर किसी का हेयर ग्रोथ रेट अलग अलग होता है, पर जनरली आपको इतनी लेंथ के बाल रखने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल बालों को ग्रो करना पड़ेगा। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले ब्रेकडाउन पॉइंट पे जो कि है हेयर क्वालिटी। अब जब आपने अपने बालों को लगभग 1 से 1.5 साल बड़े होने दे दिया है तब आपको अपने बालों की क्वालिटी चेक करनी होगी। आपकी मदद करने के लिए ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और जनरली हमारी हेयर स्टाइल इन 3 में से एक कैटेगरी में फॉल करती है, कर्ली हेयर, वेवी हेयर, स्ट्रेट हेयर। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो वो एक ही जगह पे कर्ल होके वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके बाल वेवी हैं तो आपके बालों की बॉडी का 3/4 पार्ट स्ट्रेट रहता है और आखिरी का 1/4 पार्ट में कर्ल होता है, और अगर आपके बाल स्ट्रेट कैटेगरी में आते हैं तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, तो वो स्ट्रेट ही हैं। विजय सर की हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए आपके बाल वेवी कैटेगरी में होने चाहिए। अब वो वेवी बाल आपके नेचुरली हैं या आप उसे किसी सलोन में जाके अचीव करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपके बाल एक वेवी कैटेगरी में होने चाहिए। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ क्योंकि मेरे बाल नेचुरली एक वेवी टेक्सचर के हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले ब्रेकडाउन पॉइंट पे जो कि है हेयर डेंसिटी। अब हेयर डेंसिटी को आसान शब्दों में समझाने के लिए आपकी स्कैल्प पे आपका एक बाल आपके दूसरे बाल से कितनी दूरी पे है उसे हम हेयर डेंसिटी बोलते हैं। विजय सर की हेयर डेंसिटी बहुत अच्छी है इसलिए वो उनकी पर्सनैलिटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। विजय सर की बालों की लंबाई और उनकी डेंसिटी उनका एक अलग पर्सोना क्रिएट करवाती है। इन 3 ब्रेकडाउन पॉइंट के बाद चलो हम चलते हैं अपने अगले ब्रेकडाउन पॉइंट पे जो कि है बियर्ड। विजय सर अपने लुक को और यूनिक बनाने के लिए हमेशा बियर्ड रखते हैं, वो कभी हैवी बियर्ड रखते हैं तो कभी लाइट बियर्ड रखते हैं। बियर्ड उनके घने बालों को उनके फेस से मर्ज होने में हेल्प करती है। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन उन 4 स्टेप्स में जिनके जरिए आप भी विजय सर जैसी हेयर स्टाइल को अचीव कर सकते हैं और जिनके जरिए मैंने उनकी जैसी हेयर स्टाइल को अचीव किया है। अब जस्ट अ क्विक ट्यूटोरियल कि आप उनकी जैसी हेयर स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने बालों को सुलझाना है और उसके बाद थोड़ा लेफ्ट से या बिल्कुल सेंटर से आपको अपने बालों को पार्टीशन कर देना है। मैं पर्सनली थोड़ा लेफ्ट से प्रेफर करता हूँ, और उसके बाद लेट योर हेयर बी नेचुरल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।